देखिए जिस तरह से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में चल रही है, पूरी तरह से गुंडा राज यहाँ पर कांग्रेस ने स्थापित कर दिया है। चित्तौड़ की जो घटना है, जिस तरह से विकास आंडेला की हत्या हुई है, जेल के सामने हत्या हुई है, और उसमें आरोप है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनके परिजनों ने वो हत्या की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था, और जिस गांव को वो बिलोंग करता है वही गांव यहाँ के स्थानीय विधायक का भी है, और वो नहीं चाहते कि कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला उनके गांव में उपस्थित रहे। इससे पूर्व ही एक प्रजापत नाम के कार्यकर्ता की इसी तरह से हत्या की गई। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये कांग्रेस भ्रष्टाचार में तो डूबी जो डूबी है, लेकिन हत्याओं में भी इस कांग्रेस के शासन में रिकॉर्ड बनाया है, और ये रिकॉर्ड मुख्यमंत्री के इशारों पर बना है, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात होगी। कि जो प्रदेश वीरों वीरांगनाओं की भूमि थी, वहाँ महिलाओं के अत्याचार की जो स्थिति है, जैसा बताया अनिता जी ने, आप देखिए कोई सा भी जिला ऐसा अछूता नहीं है जहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है। इनके प्रदेश के जो विधायक हैं, उनके परिवार हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेवात इस तरह की घटनाओं का एक गढ़ बन चुका है। इसके अलावा भ्रष्टाचार का तो आलम यह है कि इनके ही विधायक है भरत सिंह जी, उनके शायद लेटर पैड्स खत्म हो गए हैं लिख लिख कर, लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनके मंत्री हैं सो कॉल्ड बुढ़ा जी, वो भी बार बार कभी भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, कभी कहते हैं मुझे डर लगता है। समझ में नहीं आ रहा किस तरह का शासन यहाँ चल भी रहा है। क्या शासन जब इस तरह का है तो प्रशासन बेलगाम हो जाता है, और वही एक कारण है कि आम जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी जन आक्रोश यात्राओं में जनता उमड़ पड़ी थी, क्योंकि जनता की सुनने वाला, जनता के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। विधायकों को खुली छूट है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जहां वसूली कर सके वो कर सकते हैं। राजस्थान में वसूली तंत्र की सरकार चल रही है, और भ्रष्टाचार चरम पर है, और राजस्थान जो एक शांत प्रदेश माना जाता था, आज कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं,